वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल साइंस एम केस स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। स्टूडेंट जो इंडिया के जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं वो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे वैकेंसी का, कि कब निकले वैकेंसी और कब हम अप्लाई किए। तो स्टूडेंट इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हो 206 सीट्स पे वैकेंसी निकली है। नंबर ऑफ वैकेंसी 206 पोस्ट, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट इसकी हम देख लेते हैं स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट और क्या सैलरी रहेगी, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, ये सब हम देख लेते हैं और आपको क्या काम करना है। सो स्टूडेंट 11 जनवरी तो इसकी स्टार्टिंग डेट है एंड 12 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। बट इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी दी हुई है जो कि ऑल इंडिया के नर्सिंग स्टूडेंट है उसे फॉलो करना है। स्टाफ नर्स सेकंड ग्रेड, जिसको नर्सिंग ऑफिसर भी बोल सकते हो आप। सो स्टूडेंट हम देख लेते हैं 206 सीट्स पे फीमेल के 185 एंड मेल के 21, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी बीएस नर्सिंग कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर पोस्ट बीएस नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपकी जनरल नर्सिंग कंप्लीट होनी चाहिए, बट उसके लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए। सो स्टूडेंट देख लेते हैं इसकी पूरी डिटेल। लास्ट डेट है हमारी 12 फरवरी 2020 को 12 बजे मिडनाइट तक। इससे पहले आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 1500 एंड 1200, ये ओबीसी जनरल वालों के लिए 1500, बट जो एसटीएससी कैटेगरी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस जिसके पास है सर्टिफिकेट, ये बहुत अच्छी बात है, ईडब्ल्यूएस वालों के भी कम लग रही है, 1200 ओनली। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। एज की बात करें तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया सब कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। सो स्टूडेंट ये तो हमारी इसमें जो नोटिफिकेशन है इसमें दिया हुआ है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन हम न्यूज़पेपर के भी कलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि एम्स पटना से नर्सिंग ऑफिसर के 206 पदों पर भर्ती आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 12 फरवरी तक। स्टूडेंट 12 फरवरी से पहले पहले आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। सो स्टूडेंट पढ़ लेते हैं इन नोटिफिकेशन को। एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर के नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स सेकेंड ग्रेड के पदों पर आवेदन मांगे हैं। जो उम्मीदवार लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है। जी बिल्कुल, ये अच्छा मौका है, इससे बेटर और मौका क्या हो सकता है। नर्सिंग ऑफिसर 206 पदों पर नौकरी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सो स्टूडेंट थोड़ा इसको डाउनवर्ड कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि नर्सिंग ऑफिसर के 206 पदों पर नौकरी के लिए आवेदन मांगे है। इनमें रिजर्व कैटेगरी के लिए पद पर आरक्षित है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज से, नर्सिंग या जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम में भारतीय नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त संस्था। स्टूडेंट जैसे मैंने बताया था कि बीएस नर्सिंग, पोस्ट बीएस नर्सिंग, बट जो जीएनएम है उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारतीय नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त संस्था से बीएस नर्सिंग, नर्सिंग जो कि पोस्ट बीएससी को होती है एंड बीएस नर्सिंग का सर्टिफिकेट हो आपके पास एंड जीएनएम में 2 साल का एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा मांगा गया है। अस्पताल में 2 साल का अनुभव भी जरूरी है। आवेदन की तारीख जो है 11 जनवरी से 12 फरवरी 2020 है। इच्छुक उम्मीदवार AIIMS यानी कि एम्स पटना ORG पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। स्टूडेंट आपकी स्किल टेस्ट भी इसमें की जाएगी, आपकी आपको कितना काम अच्छे से आता है, क्लिनिकल जो वर्क होता है आपका वो कितने अच्छे से आपको आता है, इसको बोलते हैं स्किल टेस्ट। एंड जो लिखित होगा वो तो आपको पता ही है कि राइटन जो टेस्ट होगा। चयनित जो अभ्यर्थी होंगे उनकी सैलरी होगी 45,000 रुपये से 1,42,400 रुपये की सैलरी दी जाएगी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा वेतन है। स्टूडेंट आप इसके लिए अप्लाई कीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो। सो स्टूडेंट ये तो हमने पढ़ लिया जो न्यूज़ में ड्राफ्ट था जो कि जारी किया था उसके अनुसार। अब हम कुछ नॉलेज जो है वो वेबसाइट में नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है टर्म एंड कंडीशंस
उनको भी देख लेते और थोड़ा सा सिलेबस भी देख लेते कि कौन कौन सा सिलेबस इंक्लूड क्या है और हमारा जो पेपर होगा कितने घंटे का होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, ये सब हम जान लेते और जो कि आपके लिए एक बेड न्यूज है वो भी हम देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट नर्सिंग ऑफिसर जो नर्स सेकेंड ग्रेड है उनके सिलेबस के बारे में। जैसा कि यहाँ पर दिखा हुआ है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड पेडियाट्रिक नर्सिंग एंड मिडवाइफरी गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग। और इसके मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन इधर दिया हुआ है और ड्यूरेशन है 3 आवर्स। फुल डिटेल की बात करें तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या होगा, बोन्स के बारे में, जॉइंट के बारे में, ब्लड के बारे में, हेड के पोजीशन स्ट्रक्चर, ये सब हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जितने भी आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में वो रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। और नेक्स्ट बात करें माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में जैसा कि आप देख पा रहे पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन और टाइप ऑफ इम्यूनिटी, बायोसेफ्टी, यानी कि जो आपने पढ़ा है ना उन्हीं से पूछा जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, सोशियोलॉजी आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, कुछ क्वेश्चन इसमें भी कुछ पे जाएंगे जैसे कि अनमेरिड और डाउरी सिस्टम और ये जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है हैंडीकैप्ड चाइल्ड एबूस वोमेन एबूस ये सब पूछे जाएंगे। नर्सिंग फाउंडेशन की बात करें तो इसमें से यहाँ पर जो दिया हुआ है ये सारे क्वेश्चंस जो कि मोस्ट कॉमन है फेवर अनकॉन्शियस पेशेंट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आपको मालूम है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हेल्थ डिटरमिनेशन लेवल ऑफ हेल्थ केयर और यहाँ पर बहुत सारा है आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट आपसे, मेथड ऑफ कैलोरी नॉर्मल फूड रिक्वायरमेंट जो भी न्यूट्रिशन है कि एज के अनुसार अकॉर्डिंग टू वर्किंग के अनुसार ये सब आपको पता होना चाहिए, BMR वगैरह। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट सेकंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये मोस्ट कॉमन स्टूडेंट जिसमें पूछा जाता है मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, रेनल पेरिटाइटिस, ब्रन, बहुत सारे टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे डायग्नोसिस करना है और कैसे टेस्ट करना है, सब इसमें इंक्लूड होते हैं, कीमोथेरेपी वगैरह इसमें आते हैं स्टूडेंट। पसाइकट्रिक नर्सिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपने थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, यानी कि जो आपने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट बात करें मिडवाइफरी गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग जिसमें साइकोलॉजिकल चेंज इन प्रेगनेंसी, मैनेजमेंट ऑफ द वोमेन, लेबर, ये भी आपने थर्ड ईयर में पढ़ा होगा। पीडियाट्रिक नर्सिंग करेक्टरिस्टिक नेवबॉर्न एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस नेवबॉर्न और हिंग रिस्क नेवबॉर्न यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेशन प्रिंसिपल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर्स में। ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सैलरी बहुत अच्छी है स्टूडेंट। और बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कॉपी एडमिट कार्ड, ये सब ऑनलाइन हो गए स्टूडेंट। EWS का भी आपके लिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और जो कि आपके IDA, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, गवर्नमेंट कोई भी इश्यू प्रूफ, पैन कार्ड वगैरह आप यूज कर सकते हो। बहुत सारा नोटिफिकेशन है, आप इसको चाहे तो नीचे दिया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इसको रिसीव कर सकते हो या फिर जो वेबसाइट है उससे भी आप इसको गेन कर सकते हो। ये सभी तो आपके लिए कुछ खबर है कि इसमें सैलरी अच्छी है और मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट एक दुख खबरी भी है इसमें स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि ज़्यादातर पुरुषों के लिए है। जैसा कि स्टूडेंट आप यहाँ पर गौर कीजिए ये जो 206 सीट्स है ये बेड न्यूज है पुरुषों के लिए, इसमें फीमेल के लिए 80% दी हुई है सीटें जबकि मेल के लिए ऑलमोस्ट 20% ओनली, ये तो भेदभाव वाली बात होगी ना स्टूडेंट, रिजर्वेशन इतना कम मेल के लिए, आखिर पुरुषों को बेरोजगार इतना क्यों कर रहे होंगे समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट, इससे तो फिर पुरुष बेरोजगार हो जाएगा
गवर्नमेंट जॉब तो फैमिली ले जाएगी सारी, 80% तो बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट, थोड़ा सोचिए। सो स्टूडेंट इसका पीडीएफ लिंक आप प्राप्त कर सकते हो। सो स्टूडेंट इसमें सब कुछ सही है, वेतन भी अच्छा है, जॉब भी अच्छे, बट इसमें जो मेल फीमेल के बीच जो भेदभाव है कि 80% रिजर्वेशन ओनली फीमेल एंड 20% रिजर्वेशन ओनली मेल, ये सबसे बड़ा भेदभाव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिक इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो।